पूरा मामला थाना टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेरवई का है, जहां रहने वाली शिववती, अनीता देवी, अंगूरी देवी, मालती देवी आदि ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव के ही एक दबंग द्वारा अनाज की खरीद फरोख्त की जाती है। इस दबंग ने उन सभी से लाखों रुपए का अनाज खरीदा और बाद में पैसे मांगने की जब बात कही, काफी समय निकल जाने के बाद भी जब उनके पैसे नहीं मिले तो उन्होंने अपना भुगतान मांगा। इस पर दबंग ने पुलिस से मिलकर सभी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। प्रार्थना पत्र में पीड़ित महिलाओं ने दर्ज मुकदमे तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। लेके आया क्या है, क्या समस्या है? मटर लई हमारी बिटिया की और हमारी उनने लड़का फंसवा रहे है, बेचारा कि ये कह रहा है कि ये सो करे हम सो करे, हम वो करे बेटा लाठिया नहीं इतने से बाल बच्चे हैं विकट भाई। आप तो घर आपका शिवबती कहाँ से आई हो? बीरबई से। क्या है मामला आपका, पूरा मामला बताओ। राम स्वरूप ने और राजेंद्र ने हमारा माल लिया, गेहूँ, चने, मटर, मसूली, पैसे लेने के लिए गए तो गाली गलगुज करने लगे, कहने लगे। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।